मेरा नाम जुल्फिकार अली भुट्टो है, ग्राम पंचायत मांडीखेड़ा, सरपंच। जनाब, जिस तरह से पुलिस का एक अभियान चला हुआ है क्षेत्र अपराध मुक्त, आपकी तरफ से कैसा सहयोग पुलिस को मिल रहा है और गांव में कैसा माहौल? नहीं, हमारे गांव में अभी कुछ दिन पहले डीएसपी साहब और एसएचओ साहब आए थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा भाई, आपके गाँव में गौ कृषि के बारे में और किसी जो नशा है, जुआ सट्टा है, इसके बारे में आप बताइए। मैंने कहा हमारे गांव में कभी भी गौकशी नहीं हुई और ना ही हमारा गांव इस लिस्ट में है, लेकिन हम पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और किसी भी तरीके से हम पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे और आने वाले टाइम में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो भी हम जल्दी से जल्दी उनको पुलिस के हवाले करने का काम करें। गाँव में नशाखोरी, जुआ सट्टा जैसे घिनौने अपराध कोई होता हो? नहीं, फिलहाल हमारे गाँव में कोई नहीं हो रहा। पुलिस के इस अभियान को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, पुलिस अच्छा अभियान चलाया है पुलिस ने, और जो हमारे मेवात में जो थोड़ा बहुत मामला है ये गौकशी का, कुछ चंद गांवों में, उसके लिए जो समाज में जो हमारी पंचायतें हुई हैं और जो सरपंच हैं उनसे हमारी वीसी की मीटिंग जो हुई थी उसमें भी बातचीत हुई थी, और हमारा पूरा प्रयास है कि गौकशी हम मेवात से बंद करें और पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है, भाईचारे को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमारे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो बिल्कुल ठीक है, और कुछ शरारती तत्व होते हैं जो इस चीज़ में हवा देते हैं, लेकिन ऐसा अभी आज तक कोई मसला यहाँ नहीं हुआ। मैं उमर मोहम्मद, सरपंच ग्राम नौटकी से हूँ। पुलिस ने एक अपराध मुक्त अभियान चलाया हुआ, क्या कहेंगे गांव में गो तस्करी, नशा, जुआ सट्टा, क्या माहौल है गांव में, क्या कहेंगे पुलिस के इस अभियान को लेकर? भाई, पुलिस का ये जो कदम है सराहनीय है, कि पुलिस से तो अपराध रोकने की मुहिम हमेशा चलती रहती है, और ज़्यादा सख्ती से चल रही है तो और बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी कोशिश कर रहे हैं अगर भाई गांव में कोई ऐसी घटना ना हो, कोई जुआ सट्टा ना हो और कोई गौकशी या कोई ऐसा चीज़, तो अगर कोई पहले हम गांव हमारा इस चीज़ों से मुक्त है, अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम समझाएंगे भी, समझा भी रहे हैं, और अगर पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा पुलिस का सहारा भी लेंगे। क्या माहौल है गांव में, जुआ सट्टा, अवैध शराब और जो भी गैर कानूनी काम है, किस तरह से गांव में माहौल है? नौटकी में भाई साहब गैर कानूनी काम ना कोई सट्टा का या कोई शराब का ऐसा कोई काम नहीं है, बिल्कुल ही एकदम हर चीज़ से मुक्त गांव है, लेकिन फिर भी एक कमेटी हमारे ब्लॉक से भी सरपंचों के हिसाब से उसमें एक आयु निर्धारित कर रखा है और नंबर भी सबके हैं, तो अगर जरूरत पड़ेगी फिर भी लोगों को समझाने की, समझेंगे बिना तो फिर हम प्रशासन का सहारा भी लेंगे, हम की प्रशासन से मदद लेकर उनको भाई रोकेंगे। मेवात में हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से कायम है, क्या कहेंगे कुछ लोग इसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब, हम तो एक बात जाने, एक भाईचारे से काम चलेगा, ये हमेशा कायम रहना चाहिए। भाईचारे बिगाड़ने में हर आदमी को नुकसान है, चाहे वो हिंदू चाहे मुसलमान है, भाईचारा से ही मान लें खुशहाल रहता है देश, इलाका खुशहाल रहता है। हमारे हमेशा भाईचारा की एक मिसाल कायम रही है, हम संग उठते बैठते हैं, चाहे कोई लाला जी है, चाहे कोई बनिया, कोई पंजाबी है, चाहे कोई मेव है, आपस में सब आना जाना ब्यास आदि में रहता है। सरपंच साहब, पुलिस ने एक अभियान चलाया है क्षेत्र में क्राइम मुक्त, किस नज़र से देखते हैं? ये पुलिस ने बढ़िया करो जी अभियान चलाए हो, यू गुंडागर्दी भी खत्म हो जाएगी और जो ये शरारती तत्व ये खत्म हो जाएंगे सठेठा, और हम भी पुलिस को सहयोग करेंगे पूरा दिल जान से, हम इनको साथ देंगे डट के। ये जासूसी वो मतलब क्राइम खत्म हुआ, बीट चोद इनने बीट चोद ने धूमस उठा रखो है। आपके गांव गोकुलपुर में जुआ सट्टा, अवैध शराब जैसे जिन्होंने अपराध को कसी, ये कहाँ तक होते हैं और क्या पुलिस इन पर लगाम लगा पाएगी? भाई ऐसी बात है लाला, हमारे पे झूठ गायल बुलवावे बुढ़ापा में, ये सब काम हो गए बीट चोद, सारा काम हो रहा हम पे, झूठ ना बोले अपर हम सब मने तो हो गई ना, पुलिस से सहयोग मतलब करे, जब ही तो मने हुए पुलिस से सहयोग ना करे, पुलिस मतलब कह दिया तो फिर पुलिस उन पे वाह ना लिए। पुलिस ने अभियान चलाया गांव के लिए, ग्राम प्रहरी के नाम पर पुलिस का जवान तैनात किया गया। हाँ, क्या वो कहा उनको हम साथ देंगे डट के, और हम ये रुकना चाहिए सब काम, ये गंदा काम है सचेता, गंदा काम तो रुकना चाहिए गाँव में, हम यहाँ तैयार है साथ पुलिस के प्रशासन के।